पिछले एक महीने से भी ज्यादा अरसा गुजरा, बारिश मुस्तकिल जारी है। लिहाजा यहाँ पर खानापुर में हम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ हलतरी नाला जिसे कहा जाता है, तकरीबन 11 गांव ब्रिज पर पानी आने की वजह से रास्ता कट चुका है। 11 गांव के लोग इस तरफ आ नहीं पाते, लिहाजा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो चुकी है। बहुत तेजी के साथ पानी बह रहा है, देख सकते हैं कि हलतरा नाला जिसे कहा जाता है, ब्रिज पर पानी आने से वहां उस गांव के तकरीबन 11 करीब बताए जाते हैं वो गांव के लोग शहर बेलगाम की तरफ आ नहीं सकते, खानापुर में भी आ नहीं सकते, लिहाजा वो इस तरह की अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी तो बारिश थमी हुई है, उम्मीद करते हैं कि पानी का बहाव फिर से थोड़ा धीमा हो, लेकिन यहाँ पर तेज बहाव ही पानी का देखने को मिल रहा है। खानापुर के भीमगढ़ जंगल में हम यहाँ आए हुए हैं। बहुत ही घने जंगल के तौर पर इस जंगल को देखा जाता है और यहाँ पर हम दाखिल होने वाले हैं। बाढ़ मुतासिर गांवों का हम जायजा लेने के लिए यहाँ आए हैं और यहाँ पर काफी बारिश होने की वजह से कई सारे ब्रिजेस पानी के नीचे आ चुके हैं, रापता गाँव का रापता भी कट चुका है और हम अब भीमगढ़ जंगल में दाखिल होने वाले हैं और यहाँ का एक नज़ारा और एक जायजा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह खानापुर की ये नदियाँ झरने जिस तरह से बह रहे हैं, कई सारे गांवों को यानी कि रास्ता टूटा हुआ है। हम यहाँ पर पूरी तरह से जंगल में आए हुए हैं, लोगों को यहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, बिल्कुल वो तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हम जा रहे हैं इसी तरह से, अंगड़ा गवाड़ी और कई सारे गांवों को जोड़ने वाला ये पुल है। हम यहाँ पर पुरे कितने सालों से हिंदी थे कि मराठी? नहीं मराठी थे। हाँ, कितनी वर्षापासून तुम्ही हे असच ये जा करते? सर आम्हाला जवळजवळ 70 वर्ष झाली इथे। 70 वर्षापासून आम्हाला इथे काय नाही सर, असं नुसतं आम्ही याच्यावर या लाकडावरनं काहीतरी आमची बाळव करतो, मिल मड काहीतरी असं या लाकडावरनं घेऊन जातो। शासनानं काय सुद्धा केलेलं? शासनानं साहेब आम्हाला कुणी पासून केला नाही, आमच्या स्वतः हाताने आम्ही काहीतरी करून त्याच्यावरनं येतो जातो आम्ही या वाटेवरनं। हे तुम्हाला जीवाची काय तुम्हाला? जीवाची बरं आम्हाला फार मुश्किल आहे, भीती आहे इकडं। शाळेची मुलं वगैरे कसं? शाळेची मुलं काय रडत असतील साहेब, याच्यावरनं डोळे घालीत काहीतरी करीत अशीच जातात या वाटेन, काय करणार मग आमचं काहीच इथं काय नाही। पूल कोण बांधले साहेब? साहेब आम्ही बांधलाय, आम्ही गाववाल्यांनी बांधलाय। या मुख्तलिफ गाव के लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, उनकी राय है कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, आजमाइश है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। साहेब ये तुमच्यासाठी ब्रिज काय आहे? आमच्यासाठी ब्रिज म्हणजे साहेब सांगायचं म्हटलं तर आम्हाला हे वनवास भोगल्यासारखंच ब्रिज, जसं रामानं कसं 14 वर्ष वनवास भोगला का नाही, तसं आम्हाला 6 महिने पावसाळा आला का नाही, 6 महिने वनवास भोगल्यासारखंच इथं यायचं जायचं, म्हणजे एक मेलेलं मड म्हणजे तिरडीवरनं कसं मेल्यानंतर नेतात का नाही, तसं पेशंट न्यायचं तर तिरडीवरनं न्यावं लागतंय। आता कृष्णापूरची परिस्थिती तुम्ही बघितला की मीडियावर बघितला की काय आहे कशी, तशी परिस्थिती आमची कोंगळा पाचोली गावड आहे, तिन्ही गावची अशी परिस्थिती आहे आमची। मुलांना शिक्षण नाही, 4थी 5वी झालं का नाही, मुलांनी गोंडी काम पत्करायचं, बाकी कुठला आम्हाला धंदाच नाही, पुढे शिक्षण घ्यायचं म्हटलं तर आम्हाला यायची सोय नाही,
कुठली सुविधा नाही, गव्हर्नमेंट कुठली पण सुविधा नाही आहे. हादसे मतलब म्हणजे काय अपघात वगैरे घडलेला याच्या? नाही नाही, आम्ही असे जे करतो का नाही, आम्ही गावाले तिन्ही गावचे गावाले मिळून असे आम्ही लाकडी ब्रिज तयार करतोय. वाय वाय, स्थलांतर म्हणजे आमचे आमचं सहमती जायची सहमती आहे, तरी पण काय आहे, ज्याप्रमाणे आमची जशी कशी शेती आहे का नाही त्याप्रमाणे थोडीफार शेती दर आम्हाला उत्तम होत आहे, नाहीतर आम्ही तिथं आम्हाला कुठं पण घटलं तर आम्ही तिथं जाऊन घर बांधायचं कसं, राहायचं कसं, जीवन जगायचं कसं, अशी परिस्थिती होत आहे. मग थोडंफार घर बांधायला जागा दिलं तरी चालतंय, नाहीतर थोडीफार शेती असणाऱ्यांना थोडं एक एकर दोन एकर अशी शेती दिलं तर अगदी उत्तम होत आहे, उत्तम होत आहे. तिन्ही आमच्या गावच्या तिन्ही गावच्या जाण्याची सहमती आहे, तरी पण आम्हाला जरी भात करायला अशी शेती नसली तरी चालतंय, पण घर बांधायला शेती आणि उदरनिर्वाह करायला घराला जागा एवढं दिलं तर अगदी चांगलं होत आहे. जहां भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कही जाती है, वहीं बेलगाम से महज 50 किलोमीटर दूर यहां पर नेरता, गवाड़ी और कई गांव यहां पर हैं, जो यहां के लोग यहां से गुजरते हुए उन्होंने बताया कि जहां एक तरफ विश्वगुरु होने की बात कही जाती है, वहीं बेलगाम से महज 50 किलोमीटर दूर यह जंगल है. यहाँ जंगल के अंदर इस तरह से लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम है, ना उनके लिए अस्पताल है, ना बाजार है, ना उनके लिए खाने पीने की चीज़ें मुहैया होती है, और इसी में वो अपनी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं. और नस्ल दर नस्ल कई सालों से इस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है. ये देख सकते हैं कि एक नदी का बहाव बहता हुआ जा रहा है, और ऊपर से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है, और ये लकड़ी का ब्रिज है, और पूरे गाँव वालों ने मिलकर इसे बनाया हुआ है. यह एक अहम है कि गाँव वाले ने कि इसमें भी कोई सरकार की उन्हें मदद नहीं मिलती, इस तरह की बातें उन्होंने कही है. ते काय ते आमचे हे असंच हाल होता त्यांचे कायमचे, ते काय ते रस्ता करणार ना काय, कोण करणार ना काय नाही, फूल करत नाही कायच नाही काय नाही. जंगलातून ये जा करतात दररोज, फक्त ते अस्वाला खाता सगळं आई होते, अस्वाला वाघ सगळं सगळा त्याच्यात काय सगळं ते काय सगळे नुकसानच आहे होते काय नाही. हम ये खानापूर के जंगल, बिल्कुल एक घना जंगल है, ऐसी जगह पर आए हैं. यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि लोग किस तरह से इन लकड़ी के पुल से होकर दूसरे गांव को जाते हैं. तकरीबन 7 से 8 गांवों का राबता इसे टूटा हुआ है, और वो हर रोज इस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते रहते हैं. यहाँ के अवाम अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ से वो आना जाना करती है. हमारे साथ ये देख सकते हैं पीछे बिल्कुल कई सारे लोग, खवातीन भी यहाँ पर वो आती जाती है. जहाँ मुल्क को आजादी हुए 75 साल हुए, लेकिन किस तरह से बुनियादी सहूलतों से आवाम आज भी महरूम है, इसकी तस्वीर इस खानापुर के जंगल में देखने को मिलती है. लोग यहाँ से दो पहिया गाड़ी भी अपने गांव तक नहीं ले जाते. ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस कदर वो हर रोज एक तरह की जिंदगी और मौत का खेल खेलते हुए वो अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. खवातीन स्कूल को बच्चों भी यहां से गुजरते हैं, तो बिल्कुल उनकी जान अपने हाथे में लेकर वो यहां से गुजरते रहते हैं. एक बिल्कुल एक खौफनाक तस्वीर अगर कह सकते हैं, बिल्कुल एक खौफनाक तस्वीर यहां पर है. आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पानी ही पानी है, और पानी तेज रफ्तार से बहता रहता है, और इसी में से होकर वो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं. अभी आपने आवाम की भी राय जानने की कोशिश की, और वो इसी जंगल से होते हुए हम यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए आए, और ऐसे मुख्तलिफ कई कई जगह पर लकड़ी के पुल लगाए हुए हैं, और बिल्कुल उन पर से चलकर बच्चे स्कूल को जाते हैं, लोग बाज़ारों को जाते हैं, सौदा करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं. इस तरह से यहाँ पर एक आध दो चार अफराद यहाँ पर जाते हुए देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए किसी तरह की सहूलत नहीं. और मुस्तकिल बारिश है, तेज़ बारिश है, धुआंधार बारिश. आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से जंगल है, और घना जंगल है, कर्नाटक के मशहूर जंगलों में इसका शुमार है, लेकिन लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम है. इस तरह के छोटे मोटे पुल भी कई जगह पर देखने को मिलते हैं. यहाँ पर भी लकड़ी का पुल है, और इसे भी गांव वालों ने बनाया है. गांव वाले यहाँ से आना जाना करते रहते हैं. बच्चे भी स्कूलों को इसी तरह से कई लकड़ी के पुलों को पार करके वो स्कूल तक पहुंचते हैं.
इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अभी हमने खानापुर का जायजा लिया, जंगल में जाकर लोगों के आवाम के परेशानियों को समझने की कोशिश की। लिहाजा कई सारे गांव ऐसे हैं जो पानी की वजह से लकड़ी के पुल के ऊपर से उनका आना जाना होता है, वो यहाँ से वहाँ आ नहीं सकते और यहाँ से वहाँ आ नहीं सकते, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर है। हल्गीकर साहब यहाँ के MLA हैं सर, बहुत मुश्किलात का सामना लोग कर रहे हैं। हमने गांव में जाकर देखा, लकड़ी का पुल है, लकड़ी के ब्रिज के ऊपर से कभी मरीज़ को भी लाना पड़ता है तो लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बुनियादी सहूलतों से वो महरूम है, वो दूर हैं। सर इसके लिए आप बताओ MLA क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या मसला है? हमारा खानापुर क्षेत्र ऐसा है कि 268 खेड़े यहाँ पे है और इसमें अर्धा भाग पूरा फॉरेस्ट है क्षेत्र में। एक क्षेत्र में ऐसा एक ऐसे एक 12-13 गांव ऐसे है कि ये सभी अभयारण्य में है। वो अभयारण्य का नाम है भीमगढ़ अभयारण्य। वो 2013 से उधर रिस्ट्रिक्शन आया और उधर जो लोग रह आए उसको मूलभूत जो सुविधा लेने वाले आए गवर्नमेंट से वो नहीं हो सकते है, क्योंकि इधर FC जो फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो काम करने के लिए मिला तो हम रास्ता बनाते हैं, नहीं तो पुल बनाते हैं, नहीं तो KEB का खंभा डालते हैं और बोर डालते हैं। परमिशन दिए तो नहीं, मैं आपकी बात को काटूंगा सर। जहां जिंदगियां सिसक सिसक कर मर रही हो, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस तरह की सख्तियां आयद करना जरूरी है? ये पहला 2013 के पहला ये क्या भी नहीं था, जंगल काट के लेके गए थे लोग सभी। वो टाइम हम लोग थोड़ा उसका थोड़े आगे क्या होना है वो सभी को मालूम नहीं जी, इसलिए वो अभी 2013 से जो पृथ्वी का हम थोड़ा एजुकेटेड है जी। टोटल जो प्लेनेट हमारा पृथ्वी का वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से सभी प्रदूषण पोल्यूशन होने के बाद उधर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण वो मेंटेन करने के लिए पूरा यूनो में एक रिजोल्यूशन पास हुआ और फॉरेस्ट ये क्या करना है फिक्स, वो उसको सुरक्षित रखना है। उसके बाद वो हमारा भाग खानापुर का भाग उसमें गया है। ये अभी क्या तो चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना है, ये सरकार का किसी सरकार का काम नहीं है, केंद्र सरकार का काम नहीं है और राज्य सरकार का काम नहीं है। वो लोग ऐसे ऐसे है, हम एक अपील उधर डाल के उधर झगड़ना है, ये MLA नहीं कर सकता, MP नहीं कर सकता, ऐसी पोजीशन है। विधानसभा में बहुत बार वो चर्चा हुई, उप मुख्यमंत्री ही बोला ये बहुत फॉरेस्ट लोग हमको तकलीफ कर रहे हैं, उसको क्या तो सॉल्यूशन लिखना। उस मैं बोला वो HL जमीन जो है नहीं, वो जमीन हमारे कर्नाटक सरकार देने को लिए तैयार है लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट से उधर उसका स्टे है। अभी स्थलांतर की बात कर, स्थलांतर की बात तो इसलिए कर रही है वो, ऐसा एक क्या तो सॉल्यूशन निकलना है। जो वो फॉरेस्ट में परमिशन नहीं मिलता वो लोग हमारे छोटे छोटे गांव है, यानी 7 गांव बहुत ही तकलीफ में है। एक ओल्डा, गवाली, पास्टोली, कोंगड़ा, जामगांव, तड़ेवाड़ी और देगांव, मान सड़ा, ऐसे छोटे छोटे गांव है। वो गांव में एक 50 तक फैमिली रहते हैं कम जस्त। वो लोगों को एक हम बाजू में यानी वो आमगांव वाले लोग चिकला में आना,
वो तड़ेवाड़ी लोग सिरोली में आना, ऐसा करके वो उसको सरकार ने जगह की व्यवस्था की तो सभी लोग बाहर आते। वो बाहर यानी खानापुर छोड़ के नहीं जाना, खानापुर में ही रहेंगे उधर है, वो पंचायत में ही रहना जी जी। और वो पंचायत में जगह है गवर्नमेंट की, गायरान जमीन है, गावटान जमीन है, अच्छी जमीन वो उसको दिया तो कौन भी उसको नहीं अपोज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।